अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सारा यमीन है। मेरे 663 मार्क्स आए हैं इस बार नीट में, 4049 रैंक है। मैं बिदर की रहने वाली हूँ। फैमिली बैकग्राउंड कैसा है आपका? सब यहीं के, बिदर के। मेरे चाचा यहीं शाहीन में हैं, आईटी एडमिनिस्ट्रेटर है, और मेरे वालिद दुबई में रहते हैं। दुबई में रहते हैं जी, जॉब करते हैं जी। सारा यमीन के यहाँ पे 663 मार्क्स स्कोर किया है सारा ने, बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। आप भी रेडी हो जाइए। देखिए हमारे पास मोर देन 40 स्टूडेंट्स ने 650 मार्क्स स्कोर किया है। देखिए इतना बड़ा ग्रेट प्लेजर आया है सारे स्टूडेंट्स के लिए। वन ऑफ देम इज सारा। सारा हमारे पास 663 मार्क्स लिए हैं। किस तरीके से आपने प्रिपरेशन किया माँ ये 603 के लिए? ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही था या फिर कैसा ये रहा? नहीं, मैं रिपीटर हूँ। लास्ट ईयर तो मैं नीट के लिए अपियर ही नहीं हुई थी जी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था उतना इस साल, लेकिन रिपीट किया मैंने शाइन से। मैंने पहली बार में जब क्यों छोड़ दिया था आपको, क्यों ऐसा लगा कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं करते? क्योंकि लॉकडाउन हो गया था हमारे फर्स्ट ईयर के टाइम पे, और ऑनलाइन क्लासेस उतना देखे नहीं थे, तो प्रिपरेशन उतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो इसीलिए फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं दिया। वन ही अटेम्प्ट में लग गया है एक बार रिपीट करने के बाद। किस तरीके से आपको सपोर्ट मिला शाहीन की तरफ से? शाहीन की तरफ से तो बहुत सपोर्ट था, जया मैडम सब बहुत सपोर्ट करते थे, और सतीश सर के नोट्स बहुत अच्छे थे फिजिक्स में, और नदीम सर भी बायो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा है यहाँ का। तो यहाँ के सिर्फ नोट्स ही काफ़ी है नीट क्रैक करने के लिए, उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। और हमारी टाइमिंग भी शाहीन वालों ने फिर 8 o'clock तक की थी डे स्कॉलर्स के लिए बैठने के लिए, वो बहुत हेल्पफुल था। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 2-3 बेहतरीन मैसेज आए हैं। यहाँ पे शाहीन का हर चीज़ बेनिफिट होता है स्टूडेंट्स की लाइफ में। 8 o'clock तक इनको बैठने के लिए कहा गया था, शेड्यूल बनाया गया था। बीइंग इन बिदर, ये बिदर सिटी से रहने के बाद भी, कॉलेज ख़त्म होने के बाद भी रेस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है। द डिस्ट्रैक्शन वन इज़ द मोबाइल, एंड बिदर में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन दावत वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो इतने चीज़ों को अवॉइड करते हुए पढ़ना घर में बहुत मुश्किल होता था। जब ये हमारे कॉलेज में आए, नाइट स्टडी सेल्फ स्टडी करते रहे और बेहतरीन स्कोर किया। नाइट स्टडी आवर्स में क्या लेक्चरर्स आते हैं यहाँ पे? जी जी आते हैं, डाउट क्लियर करने के लिए, डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए, और नाइट स्टडीज़ में हमको बाहर डिस्कस करने के लिए भी टाइम देते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। जो भी डाउट्स होते हैं वो डाउट्स क्लियर करने के लिए टाइम मिलता है, तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। जो भी हमारे मिस्टेक्स होते हैं हम वो फ्रेंड्स से डिस्कस करके उसको क्लियर करते हैं, और टीचर्स भी आते हैं, सतीश सर भी आते थे कभी कभी नाइट स्टडी में। व्हेन यू हैव डाउट यू आर रियली स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अगर आपको डाउट आते हैं तो आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। अगर डाउट आते हैं, डाउट क्लियर नहीं करेंगे, आपका डाउटफुल रहेगा, रिजल्ट विल बी डाउटफुल। डाउट विल बी आपका क्या बन जाएगा, रिजल्ट विल बी डाउटफुल। सो डाउट को डाउट नहीं रखना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। इसलिए शाहीन में हमेशा से लेक्चरर्स रात दिन मेहनत करते हैं। जिस तरीके से रात दिन मेहनत करते हैं, हर स्टूडेंट को डे टाइम में भी, नाइट सेल्फ स्टडी टाइम में भी अवेलेबल थे, हैं, इंशाल्लाह और आगे रहेंगे बेटर इम्प्रूवमेंट के साथ। इसके साथ साथ अब हमारे पास और एक चीज़, अच्छी चीज़ बताई गई है। सारा ने हमें बताया कि उनके फ्रेंड से डिस्कशन के लिए अब्दुल मुकी सर ने बेहतरीन डिज़ाइन किया है बोल के बता रहे थे। सेल्फ स्टडीज़ के टाइम में स्टूडेंट से, फ्रेंड से जितना हेल्पफुल हो सकता है किसी और से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम से वो चीज़ मालूम करते हैं जिस तरीके से हम अपने पर्सनल डिस्कशन कर सकते करते हैं डीप इन्वॉल्व होके, उसी तरीके से अगर आप डाउट क्लेरिफिकेशन स्टार्ट कर देते हैं तो ये रियली आप अपने डाउट को 100% सक्सेस हो जाएंगे। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, देखिए डोंट वेट फॉर द टीचर। आप टीचर आएंगे, आप क्वेश्चन करेंगे, नहीं डाउट जब तक मत रखो, आप अपने फ्रेंड्स से फौरी क्लियर कर लो। क्या रोल रहा आपके फ्रेंड्स का आपके डाउट के लिए, बता सकते हैं आप? बहुत ज़्यादा रोल था। ऐसे अगर हम कभी फ्री टाइम भी रहता था और कोई क्वेश्चन हमें दोनों को नहीं आता था हमारे फ्रेंड्स में ऐसा, तो हम वो डिस्कस करते थे, लंच के टाइम भी कभी डिस्कस करते थे, तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहता था, और पूछा करते थे कि ये क्वेश्चन क्या है क्या नहीं। सेम बुक हम सॉल्व करते थे तो उनसे पूछते थे कि वो क्वेश्चन आया या नहीं आया, तो फिर वो पूछते थे ऐसे। अच्छा फ्रेंड्स, सही है, बहुत ज़्यादा हेल्प हो गया। अच्छा शाहीन का मैनेजमेंट आपको किस तरीके से बैकअप सपोर्ट किया जिससे आपका इतना डायनेमिक रिजल्ट आया है 663?
शाहिन के तो बहुत हेल्पफुल था शाहिन तो, जैसे आपने बताया कि सभी टीचर्स बहुत सपोर्ट करते थे और नदीम सर भी बहुत ऐसे लाइक मोटिवेट करते थे कि अब इस बार करना है, नीट क्रैक करना है, सीट लेना है, और जय मैडम भी बहुत सपोर्ट करते थे और आप भी आते थे कभी कभी। मैं भी आता था। मैं ये बता, मैनेजमेंट की बात कर रहा था, किस तरीके से मैनेजमेंट का सपोर्ट मिला है? हाँ। डॉक्टर अब्दुल कदीर सर का और अब्दुल मुकीम सर का किस तरीके से सपोर्ट रहा? खदीर सर भी जब भी आते थे पूछते थे कि क्या प्रॉब्लम्स है, कोई टीचर में प्रॉब्लम है या कुछ लाइक हॉस्टलाइट्स को भी पूछते थे कि खाने वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है क्या। खदीर सर बहुत प्रॉब्लम सुनते थे और उसको क्लियर कर देते थे। मुखीद सर कैसा एकेडमिक डायरेक्टर अब्दुल मुखीद सर? मुखीद सर भी बहुत कभी कभी वो क्लासेस में आते थे और पूछते थे कि कैसा है क्या है, और मुखीद सर ही जो नाइट स्टडीज़ कराते थे हमें, मुखीद सर की वजह से ही बहुत हेल्पफुल था वो भी। स्टूडेंट ने बताया कि जो भी चेंजेस आते हैं नाइट स्टडीज़ के हो या कोई टीचर्स के हो, डायरेक्टर एकेडमिक डायरेक्टर अब्दुल मुकीम सर की तरफ से बहुत सारा सपोर्ट मिला है इनको। देखिए स्टूडेंट्स, ये इंडिया का ग्रेट मैनेजमेंट है जो कि डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है स्टूडेंट्स की लाइफ से, कनेक्टेड होते हैं। यहाँ का वो मैनेजमेंट है, यहाँ पे स्टूडेंट्स से डे एंड नाइट कनेक्टेड रहते हैं उनके सक्सेस मिलने तक। आपके सामने सारा एग्जाम्पल है, 663 मार्क्स स्कोर करते हुए। सर, आपके पेरेंट्स से क्या सपोर्ट मिला आपको? हाँ, पेरेंट्स से तो बहुत सपोर्ट था। मेरे फादर तो नहीं रहते थे लेकिन मेरी मम्मा बहुत सपोर्ट करते थे, अगर मैं कभी पढ़ी हूँ तो बीच बीच में पानी ला कर देते थे, खाना ला कर देते थे, तो बहुत सपोर्ट करते थे। किस तरीके से डिस्ट्रैक्शन आते थे घर पे अगर पढ़ते वक्त में आपके, और कॉलेज में पढ़ने के लिए क्या बेनिफिट आपने देखा? हाँ, घर पे तो बहुत डिस्ट्रैक्शन होते थे, कोई मामू कोई भी आते थे घर पे, और कॉलेज में तो एकदम फोकस करके एक बेंच पे एक बच्ची वैसे पढ़ना होता था, तो कॉलेज में बहुत कम डिस्ट्रैक्शंस थे, अच्छी पढ़ाई होती थी कॉलेज में। घर पे छोटे मोटे मसाइल चलते हैं, इसलिए सारा ने बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए अपने आप को प्रूव किया कि घर के अंदर जितनी स्टडीज कर सकते हैं उससे कई दर्जे, उससे ज़्यादा बेटर स्टडीज़ कॉलेज के अंदर होती है, क्योंकि एक टेबल पे एक स्टूडेंट्स को बिठाया जाता है, जो कि हर स्टूडेंट इतने बड़े कॉलेज में इतना बड़ा यहाँ पे मेंटेन करते हुए हर स्टूडेंट को एक टेबल पे एक ही बिठाते हैं सेल्फ स्टडीज़ के लिए, जिस तरीके से सारा ने अपना यहाँ पे वीव रखा। सारा, अपने फ्रेंड्स को क्या सजेस्ट करेंगे जो अभी आपके जूनियर हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज करेंगे उनके लिए? मैं ये बोलूँगी कि एनसीईआरटी बायो की बहुत ज़रूरी है, उसकी हर लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और नदीम सर के नोट्स और एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। और नदीम सर हमेशा बोलते हैं कि एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अब जितना पूछ रहा है उतना पढ़िए, तो उसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। रिविज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल से, एनसीईआरटी का रिविज़न बहुत ज़रूरी है, हर लाइन याद होनी ज़रूरी है। और फिज़िक्स में तो मैं एमटीजी सॉल्व क्या करती थी, एमटीजी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते तो वो बहुत ही हेल्पफुल था, और एग्ज़ाम में ऐसा लग रहा था कि सारे वही क्वेश्चंस से रिपीट हो रहे हैं। और केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, एनसीईआरटी और नोट्स बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा कुछ पढ़ना तो बेकार ही है। शाहिन के मॉड्यूल किस कदर आपको हेल्प करें? शाहिन के मॉड्यूल से मैं उतना पढ़ती नहीं थी, लेकिन सतीश सर वो शाहिन के मॉड्यूल्स के एग्जांपल्स हर क्लास में सॉल्व करते थे, जैसे जैसे टॉपिक होती थी वो क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तो वो एक आइडिया हो जाता था कि क्वेश्चंस कैसे हैं। हमारे पास सारा यहाँ पे 663 मार्क्स स्कोर करते हुए अपने डिटेल व्यूज दिया है और बिल्कुल सिनेरियो दिया है, लाइफ को बिल्कुल स्ट्रीच करते हुए आपके सामने रख दिया है, किस तरीके से उन्होंने जर्नी ये किया कि किस तरीके से इनके पेरेंट्स का सपोर्ट मिला, किस तरीके से ये सेल्फ मोटिवेट होती रही, और इनको किस तरीके से शाहिन से सपोर्ट मिला, मैनेजमेंट से सपोर्ट मिला, स्टाफ से सपोर्ट मिला, और सारे जितने ग्रुप ऑफ यहाँ पे मैनेजमेंट के साथ साथ कनेक्टेड है वो सारों ने दिन रात मेहनत करते हुए आज सारा के साथ कनेक्टेड हो गए, कामयाबी के लिए जश्न मना रही है दुनिया सारा के। वेरी गुड सारा, आई रियली कंग्रेचुलेशन फॉर यू योर ग्रेट अचीवमेंट, एंड रियली आने वाले दिनों में भी आप बेटर रिजल्ट लेके आएँ, और मेरी से अल्लाह से दुआ है कि आप भी और आगे बढ़ें, और सारे स्टूडेंट्स को बताएं कि द बेस्ट प्लेसमेंट फॉर गेटिंग द मेडिकल सीट इज़ वन ऑफ द ओनली शाहिन, द नंबर वन कॉलेज ऑफ नीट, शाहिन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस।